तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके और हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स परिवार पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं वो सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालने से संबंधित दो सवालों को करेंगे। पहले सवाल में हम गुणनखंड निकालने के बेसिक के बारे में जानेंगे, ये थोड़ा बेसिक लेवल का सवाल होगा, ठीक है। और दूसरे सवाल में हम गुणनखंड निकालने के बारे में और अच्छे तरीके से जानेंगे, ये थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल होगा। तो दोस्तों दूसरे सवाल को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, तभी आप गुणनखंड निकालना सही तरीके से जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप कर दीजिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों पहले सवाल को देखते हैं। पहले सवाल क्या कहता है हमारे पास, 3x² + 7x + 4 के हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस द्विघात समीकरण को यहां पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर जो x² का कोफिशियंट है, ठीक है, 3x² है ना हमारे पास, x² का जो कोफिशियंट है यानी x² का गुणांक है क्या है, 3 है। 3 को हम यहां पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। दोस्तों आपको यहां पर ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। और फिर क्या करना है हमें, जो अचर संख्या है यानी कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म, 4 है। 4 को हम यहां पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें दोस्तों, इन दोनों की गुना कर देनी है, ठीक है। तो गुना करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको यहां पर ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक्स के कोफिशियंट को देखना है, ठीक है। एक्स का कोफिशियंट क्या है हमारे पास, एक्स का गुणांक क्या है हमारे पास, 7 है, ठीक है। 7 को हम यहां पर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब ये बात आप ध्यान से सुनना दोस्तों, 7 के हमें इस प्रकार से टुकड़े बनाने हैं जिनका जोड़ करके या घटा करके तो हमारे पास 7 आए, ठीक है, और गुणा करके हमारे पास क्या आए, 12 आए, ठीक है। तो टुकड़े बनाते हैं इसके, पहला टुकड़ा क्या हो सकता है, 1 और 6, ठीक है, ये हो सकता है। तो दोनों की गुणा करके हमारे पास क्या आएगा, यहां पर जोड़ करके तो हमारे पास क्या आ जाता है, 7 आ जाता है, गुणा करके हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 और 5, ठीक है, जोड़ करके हमारे पास क्या आ जाता है, 7 आ जाता है, ठीक है, 2 और 5 7, और गुणा करके हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 को जोड़ करके हमारे पास क्या आ जाता है, 7 आ जाता है, और गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 12, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। तो इसके टुकड़े क्या होंगे, 3 और 4 होंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमें क्या करना है, 7 की जगह 3 और 4 को लिख देना है, 3 और 4 को हमें 7 की जगह लिख देना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, 7x है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको 3x, ठीक है, 3x और 4x बना लेना है इसको, ठीक है। यानी 7x के हमारे पास क्या टुकड़े हुए, 3x और 4x, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको यहां पर ऐसे लिख देते हैं, 3x² + 7x की जगह क्या आ जाएगा, 3x और 4x, ठीक है, 3x + 4x। हमने यहां पर कुछ नहीं किया, 7x के टुकड़े कर दिए, 3 और 4 7x, ठीक है, ये सेम टू सेम है, बस इसके यहां पर हमने टुकड़े कर दिए हैं, ठीक है, 3x + 4x + 4, ठीक है। और टुकड़े करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 7 के हमें ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका जोड़ करके तो 7 आए और गुणा करके 12 आए, ठीक है। अब हमें इसे आगे सोल्व करना है। अब हमें क्या करना है, यहां पर इन दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको कॉमन लेने में परेशानी होती है तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको कर रहे हैं, यहां पर हम इसके टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × x × x, ठीक है, x^2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 3x³ × x, प्लस 4x⁴ × x, प्लस 4 × 1, 4 को 4 × 1, ठीक है। अब यहां इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां पे भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो हमें क्या लेना है कॉमन, इन दोनों में 3x, ठीक है। और कॉमन लेने के बाद हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट को लिखते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब 3x हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास, x बच गया, ठीक है, तो x को हम यहां पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और यहां से हमने 3 को भी कॉमन ले लिया था, x को भी कॉमन ले लिया था, तो यहां पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। जब भी पूरा का पूरा कॉमन आ जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, 1 बचता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। प्लस अब यहां पर देख लेते हैं क्या कॉमन है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, ठीक है, यहां पर x है, यहां पर x नहीं है, तो 4 यहां से कॉमन आ जाएगा,
ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, यहां से x बच जाएगा और यहां से क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉमन लेकर भी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, x प्लस वन, यहां पर हमारे पास क्या है, x प्लस वन। इसको हम आगे ले आएंगे, यानी इसको दोबारा से हमें कॉमन ले लेना होगा। x प्लस वन यहां पर आ गया, अब इन दोनों में से x प्लस वन आगे आ गया था तो अंदर क्या बच गया, 3x। और ऐसे कॉमन लेने के बाद क्या शुरू होती है, ब्रैकेट शुरू होती है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 3x। और यहां से हमने इन दोनों में से कॉमन लिया था, क्या लिया था, x प्लस वन, यहां पर क्या बच गया था, 4 बच गया था, क्या है, प्लस में 4 है ये, तो 3x प्लस 4 इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके गुणनखंड निकल के आए, क्या निकल के आए, x प्लस वन और 3x प्लस 4। ठीक है, ये इस सवाल का उत्तर होगा। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, उसमें गुणनखंड निकालना और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों पहले सवाल को हल करने के बाद आई होप गुणनखंड निकालने का बेसिक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस सवाल को करने के बाद आप किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए दूसरे सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को यहाँ पर लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने द्विघात समीकरण को लिख दिया है, अब हमें क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, उसको यहाँ पर ऐसे लिख देना है। ठीक है, और जो अचर संख्या है यानी कॉन्स्टेंट टर्म है उसको यहाँ पर ऐसे लिख देना है। ठीक है, जैसे हमने पहले सवाल में किया था, इन दोनों की क्या कर देनी है, गुना कर देनी है, कर देते हैं गुना, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 1 = 13। ठीक है, तो इन दोनों की गुना करके हमारे पास क्या आ गया, 135 आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है दोस्तों, जो x का गुणांक है, ठीक है, x का कोफिशियंट है क्या है हमारे पास, 24 है। ठीक है, 24 को हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 24 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं, ठीक है, 24 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका जोड़ करके या घटा करके तो 24 आए, ठीक है, और गुना करके क्या आया हमारे पास, 135 आए। ठीक है दोस्तों, जैसे पिछले सवाल में ये संख्याएं थोड़ी छोटी थी इसलिए उसको हल करना हमारे लिए आसान था और टुकड़े बनाने हमारे लिए आसान थे, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर ये तो पता नहीं है कि 24 के वो टुकड़े कौन से होंगे जिनका जोड़ करके या घटा करके तो 24 आए और गुना करके 135 आए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 135 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने नहीं आते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियो दी गई है, उसको देखकर आप अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, तो 135 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 135 को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या जिसके पाड़े में आता है 3 है, 3 × 4 = 12, 1 = 3 × 5 = 15। अब दोबारा ये 3 के पाड़े में जाएगा, 3 वह छोटी अभाज्य संख्या जिसके पाड़े में 45 आता है, 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15। ठीक है, 15 भी 3 के पाड़े में आ जाता है, 3 × 5 = 15। ठीक है, और 5 × 5 = 5। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड निकालने के ऊपर डिटेल वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसको आप, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आता तो उसको आप जरूर देखें। तो 135 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए हमारे पास, 135 = 3 × 3 × 3 × 5। ठीक है, 3 × 3 है और 1 × 5 है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब यहां पर हमें देखना है, ठीक है, पहले 3 को ले लेते हैं और इन तीनों को ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना है, 3 है, और ये कितना बन जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45। ठीक है, इन दोनों की गुना करके हमारे पास क्या आता है, 135 आता है, पर जोड़ करके हमारे पास क्या आता है, 48। तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, 3 × 3, एक तो ये जोड़ा हो जाएगा और एक हो जाएगा 3 × 5। ठीक है, एक ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की गुना करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, और इनकी गुना करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 यानी 15। ठीक है, अब इन दोनों की गुना करके हमारे पास 135 आता है। ठीक है, और जोड़ करके हमारे पास क्या आता है, 15 × 9 = 24, जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो 24 के टुकड़े क्या होंगे जिनका जोड़ करके या घटा करके तो 24 आए, क्या होंगे, 9 और 15, और गुणा करके क्या आए, 135 आए। ठीक है, तो हमने वो टुकड़े यहां पर अब निकाल लिए हैं, अभाज्य गुणनखंड की मदद से हमने वो टुकड़े अब निकाल लिए हैं। तो हमें क्या करना है, 24 की जगह क्या लिख देना है, 9 और 15। यहां पर सवाल में हमारे पास 24x है तो हम इसको बना लेते हैं 9x और
15x, ठीक है, 9x और 15x, 24x के वो टुकड़े हुए, ठीक है। तो चलिए अब इसको आगे हल करते हैं, 3x के जमा 24x के टुकड़े क्या हुए, 9x जमा 15x, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की मदद से हमने इनको आसानी से निकाल लिया है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जमा 45, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। अब दोस्तों यहां पर हमें कॉमन लेना है, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो इसके हम और टुकड़े करके इसको बेसिक से हल कर लेते हैं, ठीक है। कर देते हैं इसके टुकड़े, 3 गुना में x गुना में x, ठीक है, x स्क्वायर को हमने कैसे लिख दिया, x गुना में x, ठीक है। x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुना में x, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 को 3 गुना में 3 गुना x, 9 क्या होता है, 3 तिया 9 होता है ना, 3 गुना में 3 इसको लिख दिया गुना में x, प्लस 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना में 5, ठीक है, 3 पंजे 15 गुना में x, ठीक है। प्लस 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों यहां पर 45 के गुणनखंड है, यहां पर 3 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना में 3 गुना में 5, 5 थी 15, 15 थी 45, ठीक है। दोस्तों अगर आपको यहां से कॉमन लेना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इसमें परेशानी होती है तो आप इस प्रकार से टुकड़े बनाकर कॉमन ले सकते हैं। तो अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर x है, यहां पर भी x है, ठीक है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और कॉमन लेने के बाद क्या शुरू होती है, ब्रैकेट, ठीक है। यहां से हमने 3x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x, प्लस यहां से हमने 3 को कॉमन ले लिया, x को कॉमन ले लिया, यहां से क्या बच गया, 3 बच गया, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लस अब इन दोनों में कॉमन देखो, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर x है, यहां पर x नहीं है, तो 3 और 5, 3 गुना 5 कितना जाएगा, 15, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, x, प्लस ये बच गया 3। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब x प्लस 3 यहां पर है, x प्लस 3 यहां पर है, x प्लस 3 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहां से इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से x प्लस 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, अब जब कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट शुरू हो जाती है, अंदर बच जाएगा 3x, ठीक है, और इन दोनों में से हमने x प्लस 3 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, 15 यानी 15, ठीक है। तो ये इस सवाल के गुणनखंड हुए, आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के सवाल हल करने में, यानी जो x का गुणांक है उसके टुकड़े करने में आपको दिक्कत हो, तो आप क्या कीजिए, जो यहां पर गुणा करके संख्या आएगी उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, और जैसे हमने यहां पे टुकड़े बनाए हैं उस तरीके से आप इस 24 के जो x का गुणांक है उसके टुकड़े बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जिनका जोड़ करके या घटा करके तो आपके पास 24 आएगा, यानी x का जो गुणांक है वो आएगा और गुणा करके ये वाली संख्या आएगी, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इसी तरीके को अपनाते हुए यहां पर जो सवाल दिया गया है उसको सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें।